यार इसमें तो वीडियो होंगी बाबू, तुमने डिलीट किए थे कि नहीं? ओके, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा भी दिन अभी बहुत अच्छा चल रहा है और अभी लंच का टाइम हो गया है, तो मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। और नीरा पीछे खेल रहा है अपने डैडी के साथ। तो मैंने सारा आज काम वगैरह सब कुछ हो चुका है मेरा, किचन वगैरह आज मैंने डीपली क्लीन किया है, तो थोड़ा थक चुकी हूँ, बट इट्स ओके। और आप सबको मैं बता दूं कि मेरा 5th मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यस, तो मेरा प्रेगनेंसी का पांचवा महीना जो है स्टार्ट हो चुका है। और इस बार लग रहा है मुझे टाइम जल्दी बीत रहा है, क्योंकि नीरव की वजह से, क्योंकि नीरव को भी टेक केयर करना पड़ता है, उसको भी देखना होता है, तो इसलिए शायद मेरा टाइम जल्दी निकल रहा है। और अभी मैं बहुत अच्छा फील करने लग गई हूँ। और नीरव जो है, शैतानी उसकी कम नहीं होती है, तो नीरव आजकल अपने सारे टॉय से खेलता है, क्या कर रहा है, और डैडी के वो पेट पे कूद रहा है, जंप कर रहा है। तो मैं भी अपना जो है पेट बहुत बचा कर रखती हूँ, ताकि वो लात ना मारे, क्योंकि बेबी है। पहले तो चलो कूदता था, कोई बात नहीं, बट अभी मुझे बहुत संभल के रहना पड़ रहा है नीरव की वजह से, कि पेट पे ना लात मार दे, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको बहुत संभल कर रहना पड़ता है। हाँ जी बेटा, चौकू चौकू कर रहा है। अभी चौकू नहीं खा रहा है, अभी खाना खाने का टाइम हो गया है। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ किचन में, कि मैंने क्या बनाया है। मैं उसको उठा कर ले जा रही हूँ किचन में, और बहुत ज़्यादा हैवी ट्राइपॉड है मुझे बहुत, इसीलिए मुझे इसे ब्लॉगिंग करना ना उतना अच्छा नहीं लगता है, सीरियसली गाइस, सीरियसली नहीं अच्छा लगता है। तो चलिए मैं किचन में हो गया। तो मेरा जो राइस है वो जस्ट बना है, बहुत कुछ नहीं है, बट फिर भी बहुत कुछ है। चलिए आपको दिखाती हूँ क्या क्या बनाई हूँ मैं। ओके, ओके गाइस, तो मेरा जो खाना है वो बिल्कुल रेडी है, तो मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। ये है मेरा मिक्स सैलेड, जिसमें कैबेज मैंने बहुत ज़्यादा डाला है, और टमाटर, मिर्च, लेमन, अनियन, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें डाला। और ये है मेरा बैंगन का भरता, ये ग्रीन चिली वाला है हम लोगों के लिए, जिसमें मैंने बहुत सारा ग्रीन चिली डाला है। ये है नीरव के लिए अलग से रखा है। और ये मैंने बनाया है दाल, जिसको मैंने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, प्याज से अच्छे से तड़का दिया है, जो कि बहुत टेस्टी है, ऐसे अच्छे से दिख नहीं रहा है। ये है अरहर की दाल, एंड ये है मेरी सब्जी, जो कि उसकी है, क्या कहते हैं इसको, सीम आलू की सब्जी है। किसने दिया आपको? हाँ, चौकू खाने का टाइम नहीं है सोनू, चलो रखो चौकू, पिटाई लगेगी। ओके, ये है नीरव के लिए, तो नीरव को मैं ऐसे खिलाती हूँ मिक्स करके दाल, यमी सा दाल। ये हमारा ओके, ये है हमारा बैंगन का भरता, जिसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। इसको मैंने गैस पे ही गाइस पका कर बनाया, ऊपर से सब कुछ डाला है, और इसमें मैंने प्याज डाला है, हरी मिर्च डाली है, नमक और मस्टर्ड ऑयल ऊपर से डाला है, जिसका फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है नीरव का, और नीरव का भी सैलेड मैंने अलग से रखा है। तो ये है नीरव का सैलेड, जिसमें मैंने ग्रीन चिली नहीं डाला है, अदरवाइज वो खाता नहीं, तो
तो ये रहा मेरा का हेल्दी सा खाना खाना ओके तो ये है हमारा खाना रेडी ओके गाइस तो ये हमारा खाना बैंगन का भरता दाल और सीम की सब्जी एंड सैलेड राइस तो मैं जा रही हूँ खाने और नीरव को भी खिलाती हूँ तो बहुत टाइम लगता है नीरव को खाने में गाइस ये लोग छुप छुप के यहाँ कुछ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आपको बताती हूँ देखो मैं जब रूम में थी इन लोगों को देखती हूँ चुपके से कुछ कर रहे हैं और नीरव के डैडी पॉपकॉर्न बना रहे हैं देखिए पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न इज रेडी और मेरा मन था मैकेन खाने का मेरा मन है अभी भी बट नहीं बना रहे देखो मेरे लिए पॉपकॉर्न बना रहे हैं इसमें मत लो ना किसी और चीज में चलो ले लो तो अभी हम खाएंगे यम्मी सा पॉपकॉर्न हॉट हॉट पॉपकॉर्न नमक डालो ना लास्ट टाइम नमक कम था हाँ Yummy, 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 expert daddy. बोला क्या बनाया है? क्या बनाया है? तो मेरे हस्बैंड का फेवरेट एड है ये टीवी का. बोला क्या बनाया? अच्छा? क्या खा रहे हो? मम्मी को दो. अरे कोई मुझे भी दे दो. टेस्टी पॉपकॉर्न अभी हम चाय नहीं पिया नीरव के बर्थडे का बलून अभी भी है बट सारे जगह फैला हुआ है उस पर बलून है ना चलो हस्बैंड जो है अभी गए हैं लाने चिकन मेरा क्योंकि दिन में ही प्लान था कि मैं रात में डिनर में चिकन बनाऊं तो मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं है वो तो शुद्ध शाकाहारी है जो कि मैं कितने बार शायद बता चुकी हूँ बट मैं बार बार रिपीट इसलिए कर देती हूँ कि कुछ अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो उनको भी पता चल सके और मेरे हस्बैंड के लिए मैं दिन में थोड़ा एक्स्ट्रा बनाई थी तो वो खा लेंगे अभी क्योंकि इतना कुछ बनाना वैरायटी बहुत ज़्यादा अभी मुझे थकान हो जाती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी प्रोटीन कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मुझे नीज़ में थोड़ा जब मैं बैठती हूँ और उठती हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हालांकि फ्रूट्स वगैरह ले रही हूँ बट उतना नहीं ले रही हूँ जितना मुझे मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में लिया था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटीन की कैल्शियम की क्योंकि कैल्शियम का भी टेबलेट मुझे अच्छा नहीं लगता है खाने में बहुत कम खाती हूँ मैं तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसकी जगह मैं कुछ डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा लूँ तो अभी मैं चीज़ वगैरह थोड़ा ज़्यादा लेने लगी हूँ हालाँकि उससे फैट तो बढ़ता है बट फिर भी अभी मैं बहुत ज़्यादा मेरा वेट नहीं है कि मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत है फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा मैं स्लिम ट्रिम थी मतलब मेरी फर्स्ट जो प्रेगनेंसी थी उसमें मैं बहुत पतली थी जो भी था मेरा बेबी का वेट था और काफ़ी अच्छा खासा था और नीरव 4.25 किलो का हुआ था जब वो पैदा हुआ था और अभी जो व्लॉग मेरे हैं अभी मैं उसमें 100% नहीं दे पा रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग नहीं ला पा रही हूँ बट मैं सोच रही हूँ अच्छे व्लॉग के चक्कर में रहूँगी तो शायद मैं हफ्ते में एक ही व्लॉग डाल पाऊँगी या दो हफ्ते में एक ही डाल पाऊँगी तो इसलिए जो भी व्लॉग है जो भी मैं बातें करती हूँ सारी चीज़ें डालूँ चाहे जो भी बनाती हूँ क्योंकि इस तरीके से क्या होगा जो मेरे व्यूज़ है वो कंटिन्यू रहेंगे और लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया व्लॉगिंग करना तो इससे क्या होता है फिर वो व्यूअर्स कहीं ना कहीं हट जाते हैं कुछ व्यूअर्स आपके होते हैं जो नहीं फिर वीडियो देखने लगते हैं तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ और नीरव अभी दूसरे वाले रूम में है तो मैं जा रही हूँ फटाफट चॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ हालांकि मेरे हस्बैंड काफ़ी लेट गए चिकन लाने आई डोंट नो चिकन अभी मिलेगा या नहीं लेट्स सी और मैं जा रही हूँ थोड़ा कर लेती हूँ तैयारी आ गई हूँ किचन में और फटाफट से बना रही हूँ चिकन क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है बट जब तक मेरे हस्बैंड गए थे मैंने सारी तैयारी कर ली है मैंने चॉपिंग कर लिया है खूब सारा अनियन और इसमें मैंने है ग्राइंड के टमाटर गार्लिक जिंजर तो इन सब मैंने कर लिया है ग्राइंड और चिकन जो है मेरे हस्बैंड तो बता रहे हैं कि हाफ के जी बट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है आई थिंक हाफ के जी से और ये सिर्फ मैं और नीरव खाने वाले हैं सिर्फ मैं और नीरव सच्ची कह रही हूँ और नीरव आ गया है चीनी मांगने तो देखे गाइस कितने लड़के बच्चे कितने नौटंकी गाइस बच्चे कितने ड्रामेबाज होते हैं
चीनी खाएगा। तो कभी कभी मैं इंगेज इसको करने के चक्कर में दे देती हूँ। ट्राईपॉड है तो इस चक्कर में जगह नहीं होती है किचन में, क्योंकि इतना ज्यादा हैवी है। तो मैं डाल देती हूँ अनियन, प्याज को सॉटे करूंगी, हल्का सा ब्राउन भी करूंगी, उसके तुरंत बाद में चिकन भी डाल दूंगी, क्योंकि टमाटर का पेस्ट डालने के बाद चिकन थोड़ा भी फ्राई नहीं हो पाएगा। तो मैं हल्का सा फ्राई करूंगी, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूंगी। तो क्योंकि अब मुझे नॉनवेज थोड़ा अच्छा लगने लग गया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार मैं नॉनवेज ज़रूर खाऊं, और सिर्फ नॉनवेज में चिकन नहीं, अभी मुझे सिर्फ चिकन ही थोड़ा ठीक लग रहा है। मैं मटन भी खाऊंगी, फिश जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बेबी के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी फिश भी ज़्यादा से ज़्यादा खाऊँ, बट अभी उतना मन नहीं होता है फिश खाने का, तो इसलिए मैं अभी चिकन बना रही हूँ। तो ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और मैं अभी जा रही हूँ, भिगो देती हूँ मूंग दाल, साबुत मूंग दाल, ताकि मैं स्प्राउट्स बना सकूँ। पता नहीं 3 दिन खाती हूँ, फिर 2-4 दिन में भूल जाती हूँ कि मुझे स्प्राउट्स भी बनाना है। और लाइट को क्या हो रहा है, गाइस आजकल मैं बिग बॉस अच्छे से नहीं देख पा रही हूँ, बट पहले क्या था, मैं बिग बॉस आने से पहले ही मेरा क्या था कि मैं चाय लेकर बैठ जाती थी, जैसे ही मैं बिग बॉस देखती थी स्टार्ट होता था, बिल्कुल यू नो मॉर्निंग में डांस होता है और वो लोग चाय पीते हैं, तो मैं कहती हूँ हाँ मैं भी चाय पी रही हूँ, पता नहीं कि अलग ही सा एक एक्साइटमेंट होता था, बट अभी वो एक्साइटमेंट नहीं है। हालांकि है बट नहीं, उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी नीरव है, नीरव को भूख लग जाती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ टाइम पर करूँ, उसको अच्छे से ज़्यादा देखूँ और कंटिन्यू। अगर आप मॉम हो तो कंटिन्यू बिग बॉस नहीं देख सकते हो, इतना उसमें 1 घंटे का शो होता है, तो आप कंटिन्यू नहीं देख सकते हो। तो इसलिए पहले जितना नहीं देख रही हूँ मैं बिग बॉस, जितना पहले देखती थी।